अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं नेक्रोसिस, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा, मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया था, जिसका था हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, नेक्रोसिस जो है एपोप्टोसिस के ऑपोजिट एक जो है वो हमारे पास क्या कहना चाहिए, प्रोसेस है, जिसमें के सेल की डेथ तो होती है मगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। मगर आप लोगों को पता है बेसिकली बेटा कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो वो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। अब जाहिर ही बात है, बॉडी में एक सेल की तो डेथ एक वक्त में नहीं होगी ना। तो हमारे पास क्या होता है कि सेल की ओवरऑल डेथ की बजाय टिश्यू की डेथ हो जाती है। मींस के लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ होती है। ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो एपोप्टोसिस नेक्रोसिस जो है बेसिकली इसकी क्या डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, एक्सीडेंटल सेल और टिश्यू डेथ। ठीक है जी, अभी समझाती हूँ आपको मैं। बेसिकली बेटा जी देखिए, हमारे पास क्या होता है कि जब सेल की एक्सीडेंटल कोई सेल डेथ हो जाती है तो उसको कहा जाता है नेक्रोसिस। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी उंगली पे छुरी ही फिर गई है, फिंगर को जो है वो कट लग गया, तो एक सेल तो डैमेज नहीं ना होता, उसका पूरा जो प्रॉपर वहाँ के टिश्यूज़ होते हैं वही पूरा डैमेज हो जाता है, तो ये नेक्रोसिस ही है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्रोसिस है उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ये हमारे पास बेसिकली जो आपका टॉपिक है ये नेक्रोसिस की हेडिंग के अंदर आता है, फिर इसके डिफरेंट कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ क्या हैं हमारे पास, बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है उसकी वजह से भी समझाती हूँ, या कोई इंजरी हो जाए, या खुदा ना खास्ता कोई कैंसर के सेल बन जाए तो नेक्रोसिस हो जाता है। इन्फेक्शन हो गई है तो वहाँ पर जो है वो बॉडी के जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, अचानक से हुई है तो ये हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन। अभी आपको मैं समझाती हूँ। इंजरी, चोट, अभी मैंने आपको बताया कि आपको एकदम से कट लग गया है तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, वो एक्सीडेंटल डेथ है, तो उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। या कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, वो भी बॉडी के दूसरे सेल्स को जब डैमेज करना शुरू हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। या फिर बेसिकली बेटा जी नेक्रोसिस होता है कभी कभी तब भी होता है जब बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, जब ब्लड के ज़रिए बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो वहाँ के सेल्स जो होते हैं वो नेक्रोसिस का शिकार हो जाते हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन होना। अक्सर आप लोग नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देखो तो समुंदर के अंदर जब वो फंस जाते हैं तो अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में लोग बताते हैं कि हमें हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी, आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये नेक्रोसिस हो गया। और बेटा जी हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक जब एपोप्टोसिस डिस्कस किया था कि वो एक प्रोग्राम सेल डेथ थी, और सेल जो था वो अपने अंदर प्रॉपर वेज में पहले अपने न्यूक्लियस को रप्चर कर रहा था, उसके बाद उसके ब्लब्स बन रहे थे, मगर जो नेक्रोसिस होता है ये लेस सिक्वेंशियल होता है। आपकी बुक में ये बात मैंशन है दैट नेक्रोसिस इज़ लेस सिक्वेंशियल दैट एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो है वो एपोप्टोसिस से कम लेस सिक्वेंशियल क्यों है, क्योंकि बेसिकली बेटा सेल को पता ही नहीं कि कब उसने इंजर हो जाना। अब आप लोगों की मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में कुछ ज़ख्म आया है या कट लगा है तो आप लोगों को पहले तो नहीं ना पता था, सेल रेडी नहीं था कि उसके अंदर ये चेंज आएगी, तो जो नेक्रोसिस है ये लेस सिक्वेंशियल होता है। मींस के सेल को कोई पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आनी है। अब सेल के तौर पे ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, अब सेल यहाँ से भी कट सकता है, सेल यहाँ से भी कट सकता है। अगर वो यहाँ से कटेगा तो उसका न्यूक्लियस का मटेरियल भी सारा बाहर आ जाएगा, मगर आम तो और सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी जो होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी, ज़ाहरी बात है एकदम से इंजरी हो गई है। बेटा इसमें सबसे मज़े की बात ही होती है कि सेल के अंदर हम लोगों ने एक ऑर्गेनेल पढ़ी थी जिसको लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को सुसाइडल बैग का भी जिक्र किया था कि लाइसोसोम वो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के ये ऑटोफेगी या फेगोसाइटोसिस करते हैं। अब आप ये देखिए कि आपके पास कमरे में छोटे छोटे से पैकेट्स हों जिनके अंदर पॉइजन या कोई जहर मौजूद हो, जो कि पैकेट जब फटा तो वो जो जहर उसमें से निकलेगा वो इर्द गिर्द के भी मटेरियल को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर हमारे पास नेक्रोसिस में सेल की इस तरह डेथ हुई है कि लाइसोसोम जो है वो कट गया या वो फट गया, तो इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे,
जो इसके अंदर के आप समझ लीजिए कि जो डाइजेस्टिव मटेरियल है जो दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा वो भी जो होता है वो बाहर आ जाता है। अब ना सिर्फ वो उस सेल को तो डैमेज कर रहा है, इर्द गिर्द के जितने सेल्स हैं, क्योंकि उसका तो काम है चीज़ को डाइजेस्ट करना, अब उसने इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर ज़ख़म जो होता है वो ख़राब हो जाता है। कहते हैं ना जी हमारा ज़ख़म बिगड़ गया या ज़ख़म ख़राब हो गया, तो उसमें मोस्टली यही होता है कि जो लाइसोसोमल सेल, लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है, जब वो रप्चर होती है एक्सीडेंटली, तो उसके अंदर के सारे जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो इर्द गिर्द के जितने सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। तो ये इस वजह से जो होता है हमारे पास ये होता है कि जो नेक्रोसिस है वो एक सेल खुद तो डैमेज हो रहा है मगर वो इर्द गिर्द के सेल्स को भी जो होता है वो डैमेज कर देता है। तो ये हमारे पास जो होता है वो नेक्रोसिस कहलाता है, नेक्रोसिस का प्रोसेस है, जिसमें कि बेसिकली बेटा यही बताया जाता है कि एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है या टिश्यू की डेथ होती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाए, मैंने आपको ये आपको बताया कि इन्फेक्शन में भी डिस्कस करती हूँ। इन्फेक्शन यही है कि आपकी बॉडी में अचानक से कोई सेल में कोई इंजरी हुई है या चोट लगी है, तो वो उसके लाइसोसोम जब फटे हैं तो वो इर्द गिर्द के सेल्स को भी जो डैमेज कर देता है वो इन्फेक्शन ही हो जाती है। इंजरी जो चोट लग जाए उसकी वजह से भी उसको भी नेक्रोसिस कहते हैं, और कैंसर की वजह से भी जो होता है वो नेक्रोसिस, सेल्स की किसी तरीके से भी अगर डेथ हो रही है एक्सीडेंटली तो वो नेक्रोसिस कहलाएगा। और ये लेस सीक्वेंशियल है देन एपोप्टोसिस, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, सेल को नहीं पता कहाँ से उसने फटना है, बस जहाँ से कट लगा या जहाँ से चोट लगी वो वहीं से जो है वो रप्चर हो जाता है या हो जाता है। और इसमें जो लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्योंकि सेल के अंदर एक लाइसोसोम तो नहीं है, बहुत सारे लाइसोसोम हैं, तो लाइसोसोम फट ही जाते हैं, तो वो जहाँ पे फटते हैं बेसिकली बेटा तो वो इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं। जैसे कि मकड़ी वगैरह कभी काट जाए, स्पाइडर जो होते हैं वो बाइट कर जाए तो भी नेक्रोसिस हो जाती है। जहरी बात है, ज़ख्म कहते हैं बिगड़ गया, ज़ख्म बिगड़ना, अब आप लोगों को साइंटिफिकली ये पता चला है कि ज़ख्म बिगड़ना असल में ये होता है कि जो लाइसोसोम है वो इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है जी, बस आज का हमारा यही टॉपिक है, हमारा 5th चैप्टर जो है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में 6th चैप्टर एंजाइम्स वाला स्टार्ट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और ये फुल चैप्टर भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।